हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक माइंड में। आज हम आपके लिए 15 इंची एग्जॉस्ट की मोटर लाए हैं। ये एग्जॉस्ट जो कि है फूक चुका है, देख सकते हो आप। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये फूका हुआ एग्जॉस्ट फैन कम बजट में इसको कैसे नया बनाया जा सकता है। इसके ऊपर से हम सारा ये जंग उतार देंगे इस मशीन की मदद से। ये आप देख सकते हो, ये हमारा ग्लेंडर है, इसकी मदद से हम सारा जंग उतार देंगे और इसके बाद हम आगे दिखाएंगे इसको कि इसको नया कैसे बनाया जा सकता है। ये इसके अंदर स्टेटर के अंदर हम इसके पेपर लगा रहे हैं और इसकी फुल वाइंडिंग का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको अगर 15 इंची वाइंडिंग का डाटा या पूरे वाइंडिंग की वीडियो आपको देखनी हो तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये हमने स्प्रे पेंट की मदद से इसको ब्लैक पेंट कर लिया है। ये हमारा फर्मे होते हैं जिस पे इसकी वाइंडिंग होगी। हाँ, ये आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ कि ये मोटर हम वाइंड कैसे करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक मिल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप मेरी पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये हमने इस फर्मे की मदद से इस मोटर को बनाते हैं। आप चाहो तो लच्छे से भी बना सकते हो, लेकिन हम फर्मे से बनाएंगे। इस फर्मे पे हमारी बहुत अच्छी मोटर बनती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये हमारी रनिंग वायर है, इसका हम सेट बना रखा है। ये हम सेट डालेंगे जो कि 15 इंची एग्जॉस्ट था, ये बहुत ख़राब कंडीशन का था। आप देखोगे कि ये जब बन के रेडी होगा तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये नया वाइंड वो है ही नहीं, ये नया पीस है एकदम, आपको ऐसा लगेगा। तो आप किसी भी ख़राब पुरानी जंग खाई मोटर को भी आप नया बना सकते हो इस तरीके से। इसको हम वाइंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग वायर डाल रहे हैं हम इसकी। अब रनिंग हमने डाल चुके हैं, ये हम इसकी स्टार्टिंग वायर डालेंगे। ये स्टार्टिंग वायर भी हमने डाल ली है और ये हम अब इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद इसमें धागा लगा के ये हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, ये हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है। ये हम चेक करेंगे, हमारी मोटर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे 15 इंच एग्जॉस्ट के कवर हैं जो कि हम पेंट करे हैं। इसके हमने स्प्रे पेंट मार के इसको पेंट कर लिया है। ये हमारा नए 2601 के 2 बैरिंग है, इसको हम बैठा लेंगे। आप कोई सी भी मोटर फिटिंग करो, फिटिंग आप इस तरीके से करो को आपको पुश फिटिंग करो। आप पुश फिटिंग जिसमें कि आपको हथौड़ी मारने की आवश्यकता ना हो, आप चाबी या गोटी की मदद से कसो
तो आपकी मोटर जो है बहुत स्मूथली चलेगी। अगर आपकी मोटर कहीं रगड़ रही है या शीट लूज है तो आप पहले उसको ठीक करो, फिर मोटर फिट करो। आपकी मोटर कभी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। इसको हम कवर दोनों बिठा लिए, अब इसके अंदर हम सिलाई लगाएंगे और धीरे धीरे चारों सिलाइयों के लगाने के बाद धीरे धीरे कसेंगे हम। इससे हमारे कवर बैठेंगे, हम बैठते चलेंगे और हमारी मोटर बिल्कुल स्मूथ घूमेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पे हथौड़ी की चोट ना मारे और प्लास की या गोटी की मदद से या चाबी की मदद से इसके नट सिलाई कसें हम धीरे धीरे। दो दो चूड़ी चारों तरफ से कसें धीरे धीरे। अभी हमने कनेक्शन कर लिए, दो हमारी रनिंग रेड है वो हमारी रनिंग की है, दो येलो हमारी स्टार्टिंग की है, एक रेड और एक येलो हम लेके उसको कॉमन बना लेंगे। और जो हमारी एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की बची है उस पर कंडेंसर लगा लेंगे। और जो हमारी कॉमन है उसको हम लाइन देंगे और एक जो हमारी रनिंग का पिस्टर को है उसको हम न्यूट्रल देंगे। इस तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन हमारे हो चुके हैं, इसको हम कवर में बिठाएंगे। अब ये हमने पेच कस लिए हैं, ये हम शाफ्ट में जो है थोड़ा सा पेंट लगाएंगे स्प्रे वाला, इस तरीके से देख सकते हो स्प्रे पेंट है ये ब्लू कलर का, इसको हम लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया स्प्रे पेंट। अब इस पे हम स्टिकर लगाएंगे। ये हमने स्टिकर भी चिपका लिया है और ये 2023 का स्टिकर लगाएंगे हम इसमें। आप देख सकते हो हमारी मोटर बिल्कुल न्यू हो चुकी है। आपको लगेगा ही नहीं कि वही मोटर है, ये जंग खाई हुई वही ख़राब मोटर। आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी न्यू न्यू मोटर आई है ये। देखो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।